तो अगर पेट्रोल बढ़ गया तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बीजेपी की सरकार ही आएगी। बनने की बात तो छोड़ दो, किसकी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी की आने वाली सरकार। आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो रियल ट्रूथ है, जो ज़मीनी ट्रूथ है, उस हकीकत को तो समझना ही पड़ेगा ना, वो तो अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पहले से ज़्यादा टाइट है, मतलब पहले से ज़्यादा क्राइम कम हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनस। अनस, ये बताइए कैसा लग रहा है पेट्रोल डलवाते हुए? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्या रेट है पता है? हाँ लगभग 100 रुपये से ऊपर है। 100 रुपये से ऊपर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं आप? ऑफ कोर्स खुश होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है। लोग तो कह रहे हैं बड़े महंगाई कर दी सरकार ने, दिक्कत हो रही है पेट्रोल को लेके, बाइक चलाने में, गाड़ियाँ चलाने में। तो जब 7वां वेतन आयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था, उस वक्त क्यों नहीं खुशी हुई थी? उस वक्त भी नाराज़गी जतानी चाहिए थी जनता को। 7वां वेतन आयोग से जहाँ किसी की सैलरी अगर 60,000 थी तो वो 1,00,000 के पार कर गई, तो वो भी तो बढ़िया ना। मजदूरी जहाँ 200 रुपये हुआ करती थी, आज 400 रुपये है ना। तो अगर पेट्रोल बढ़ गया तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? उसी हिसाब से आप चार्ज भी तो कर रहे हैं भाई, उसी हिसाब से आपने भाड़े बढ़ा दिए, तो वो तो वहीं का वहीं है ना। लोग तो कह रहे हैं सरकार ने बहुत परेशान कर दिया, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सरकारी वर्क परेशान है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार मेरे मायने में तो सही करके कम हुआ है। हाँ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुधार हुए हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत कम हुआ है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। अच्छा 22 में बताइए क्या लग रहा है आपको, यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार ही आएगी। बनने की बात तो छोड़ दो, किसकी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी की आने वाली सरकार। आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो रियल ट्रूथ है, जो ज़मीनी ट्रूथ है, उस हकीकत को तो समझना ही पड़ेगा ना, वो तो अनदेखी नहीं की जा सकती। जो ज़मीनी हकीकत है हम सबको माननी चाहिए। अच्छा ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा था, उस पर बड़ा बवाल मचा, CA NRC को लेकर भी मुस्लिम समाज काफ़ी मुखर रहा, नाराज़ भी है सरकार से। क्या ये मुद्दे इफेक्ट डालेंगे चुनाव में? मुझे लगता नहीं डालने वाले, इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने का। पहली बात, 3 तलाक जो इस्लाम में है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं है। 3 तलाक आप नहीं दे सकते इस्लाम के अकॉर्डिंग, 3 तलाक है ही नहीं। आप 1 तलाक एक ही टाइम में देंगे, 3 महीने का उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप तलाक दें। मतलब शादी करने में तो इतना ड्रामा, और 3 तलाक में 1 मिनट में ख़त्म, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा बताइए, पहले यहाँ पे यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी, बिल्कुल, अब योगी जी की सरकार, दोनों में अंतर क्या है अनस? जो दोनों में अंतर है, पहले का अंतर और अब के अंतर में एक ख़ास फ़र्क ये है कि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पहले से ज़्यादा टाइट है, मतलब पहले से ज़्यादा क्राइम कम हुए हैं। और कुछ एक पर्टिकुलर लोग हैं, वो तो हमेशा रहेंगे जो क्राइम करते हैं, उनकी आदत ही वही है, तो वो तो हमेशा करते रहेंगे, उनको तो कहा नहीं जा सकता। डजेंट मैटर ही इज़ ए हिंदू और इज़ ए मुस्लिम, वो कोई भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी आप दिव्यांग हैं। जी जी। मोदी जी ने नया नाम दिया, कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी। सही नाम दिया? हाँ जी। अच्छा बताइए पेट्रोल का जो भाव है, इसको लेकर क्या कहना है आपको? बहुत बुरा लग रहा है, बड़ा महंगा हो रहा है पेट्रोल। बुरा लग रहा है? हाँ। किस पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो बीजेपी का ही है। अभी आप बता रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा है। हाँ नहीं, पेट्रोल तो महंगा है लेकिन माहौल बीजेपी का ही है। ऐसा क्या है बीजेपी में, मतलब महंगा है और फिर भी कुछ लोग आपको अंधभक्त भी बोल रहे हैं, पता आपको? हाँ नहीं वो तो है, खैर अंधभक्त हैं आप? नहीं अंधभक्त नहीं, भक्त हैं, भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है मोदी में? दरअसल मैं यो जो है, सबसे जो मेन कारण है वो है डर, जो डर का माहौल था वो खत्म कर दिया बीजेपी ने, उसकी वजह से बीजेपी फंसी। पहले इस्लाम खतरे में था, अब हिंदू धर्म खतरे में। हाँ नहीं ऐसा नहीं कह सकते, हिंदू सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित, हिंदू भी मुस्लिम भी सब सुरक्षित है। योगी जी के कोई काम गिनाइए अच्छा जो काम किया योगी जी ने। अच्छा सारे अच्छे अच्छे करे योगी जी ने, बुरा कौन सा करा? कौन सा 24 घंटे लाइट आ रही है? वो तो कह रहे हैं यही बुरा काम है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। नहीं महंगा है ये बात जायज है, लेकिन वो कौन सा अपनी जेब से थोड़ी ना दें। दरअसल में जो मामला जो उठ रहा है ये पेट्रोल डीजल वगैरह का, वो लोग उठा रहे जो करना नहीं चाहते। अगर हम 500 रुपये कमा रहे तो हम 100 रुपये का पेट्रोल जरूर फूकेंगे। अच्छा मैं बीजेपी को वोट दूंगा। आपका अपना मत? हाँ हाँ मेरा पर्सनल मत, पेट्रोल डीजल इतना मायने नहीं रखता। नहीं नहीं मेरे लिए कोई मायने, भाजपा मायने रखती है जी। पेट्रोल का भाव कुछ भी हो जाए चाहे, नहीं कुछ भी हो जाए कुछ